लॉकडाउन के बाद देश में उन बेसहारा लोगों के लिए मुश्किल दोहरी हो गई, जिनके पास न रहने के लिए घर था और न करने के लिए कोई काम। भीख मांग पेट भरने वालों के लिए इस जंग में हमला तीन तरफा है। एक तो वायरस के खिलाफ खुद को बचाना है, तो दूसरा भूखे भी नहीं रहना, और तीसरा बेसहारों का सहारा बनना है। ये तस्वीर कलकत्ता की है। कलकत्ता के दमदम रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने वाले इन लोगों पर लॉकडाउन के दौरान कहर टूट पड़ा, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवता की मिसाल पेश की और इन बेसहारा लोगों के खाने का इंतजाम किया। कोलकाता फाउंडेशन वाले आया है, खाना दे आया, खाना खाया है, और भी बोला है सब मिलके खाना दो, सबसे सब सब हेल्प करो हम लोगों को। वी कुक्ड फूड, इट्स खिचड़ी एंड तरकारी, वी सेड लाबड़ा, वी से वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस फूड अमंग दोस पीपल, दोस बेगर्स हु आर हंग्री, हु आर नॉट गेटिंग फूड। वी आर आल्सो हैविंग ट्रबल ऑफ procuring these raw materials. Anyway, with the grace of God, we are finding materials, we are cooking it, and we, the volunteers of Kolkata Chetana Foundation, is with those hungry people. कलकत्ता में मदद की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की दिखाते हैं, जहां स्कूटी पर खाने का थैला लेकर निकली ये दोनों बहनें काजल और दिशा हैं। काजल और दिशा ने नागपुर के सड़कों पर रहने वाले कुत्तों के लिए खाना तैयार किया और अपनी जान की परवाह किए बिना निकल गए इन स्ट्रीट डॉग्स का पेट भरने। ये तस्वीर भी मानवता का वो चेहरा दिखाती है जिसमें इंसान अपने आसपास हर जीव के लिए सोचता है। कोविड 19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, तो जो डॉग्स है वो भूखे रह रहे हैं, क्योंकि उनको वो शॉप से या होटल रेस्टोरेंट से उन्हें कुछ ना कुछ खाना मिल जाता था, बट अभी उन्हें कोई फीड नहीं कर रहा है क्योंकि कोई बाहर भी नहीं आ रहा है अपने अपने घरों से, तो वो बहुत भूखे रह रहे हैं। इस वजह से वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने एटलीस्ट फीड करना चाहिए डॉग्स को, क्योंकि या स्ट्रे एनिमल्स को, क्योंकि हमारे पास एज अ ह्यूमन बींग जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इनके पास तो कोई सोर्स भी नहीं है, तो इनका सोर्स तो सिर्फ हम ही है कि जो इन्हें दे सकते हैं। मॉर्निंग से हमारा सब कुछ शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग दो टाइम इन्हें खिलाते हैं, तो मॉर्निंग से हम लोग पूरी रोटियां बनाते हैं, नियर बाय 100 मॉर्निंग, 100 इवनिंग, 100, एंड फिर जितना भी मिल्क लगता है वो मेरे डैड लाके देते हैं, 2 लीटर 3 लीटर व्हाटएवर। सो इससे फिर हम मॉर्निंग से जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, फिर इन द नाइट जब हम जाके सोते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हमारे वजह से कोई भूखा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान इन तस्वीरों ने उम्मीद की एक किरण जगाई, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिन कितने भी कठिन हो, हम किसी को भी भूखे नहीं छोड़ने वाले।